अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो जी वो से जी फिगर फिगर वाले वो चार्ट होते हैं, क्या रूम में लगा सकता हूँ? जी सर। हाँ, वो तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर नहीं है जो आप बता रहे हैं, जहां तक तस्वीर मुझे इल्म बनी है। रहती है इंसान की। देखिए, वो जरूरत के लिए आप लगा रहे हैं। अगर आपको उसकी जरूरत जी है, जाहिर है आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अगर उसकी जरूरत है तो आप उसे लगा सकते हैं। आप अगर ज्यादा एहतियात करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि उसकी जो शक्ल है, आप शक्ल को किसी चीज से मिटा दीजिए। जैसा कि हदीस के अंदर भी है कि अगर कोई जानदार की तस्वीर है, उसके चेहरे को मिटा दिया जाए, खुरच दिया जाए, तो फिर वो तस्वीर के हुक्म में नहीं रह जाता है। तो अगर आप ज्यादा एहतियात करना चाहते हैं तो उसकी शक्ल पर आप कुछ लगा दीजिए, वरना वैसे भी आपको उसकी जरूरत है और बहुत बड़ी जरूरत है, तो इंशाल्लाह जी उसके इस्तेमाल में हर्ज नहीं है आपके लिए। नमाज पढ़ने में कोई जरूर दिक्कत नहीं होगा? फिगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वाला आप मतलब उसको ऐसे सामने मत लगाइए कि जब आप नमाज पढ़े तो बिल्कुल आपके सामने हो और आपको डिस्टर्ब करे। आप जी और उसका देखिए, उसका एक तरीका यह भी है, आप तस्वीर लगा के रखें, जब आपने उसके ऊपर कोई ऐसा कवर वगैरह डाल रखा है, जब आपको जरूरत हुई आपने कवर हटा दिया, उसको देखा, उसमें पढ़ाई किया, और फिर जब वो जो है पढ़ाई आपकी खत्म हो गई, फिर आपने पर्दा गिरा दिया उसका। तो जी तरीके उसके बहुत सारे हैं। खुलासा ये है कि एक डॉक्टर को उसकी अशद्द जरूरत है। कायदा है कि अदरूरात तुबीहुल महदूरात। आपको यस इतनी सख्त जरूरत है उसकी, तो ऐसी सूरत में ला हराम मा अदरूरा, जरूरत के वक्त कोई जी चीज हराम नहीं होती हमारी शरीयत में। तो आपको उसकी जरूरत है, सख्त जरूरत है, इसलिए आपके लिए उसका लटकाना जायज है। बस उसके ये तरीके आप अख्तियार कर सकते हैं, उसके चेहरे पर आप कुछ लगा दीजिए। लेकिन मान लीजिए, हो सकता है चेहरे में भी बहुत सारे आजा होते हैं जिस पे आप लगा देंगे तो जो है दिक्कत होगी आपको। तो जी हाँ आप ऐसा करें, आप वहां पे एक पर्दा रखें, पर जब जरूरत खत्म हो जाया करे तो पर्दा गिरा दिया करें, छुप जाए।